तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 मोस्ट एम्बैरेसिंग आईपीएल रिकॉर्ड्स। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बसल थम्पी के 70 रन 4 ओवर में। बसल थम्पी उस दिन को हमेशा के लिए भूलना चाहेंगे। उनकी टीम सनराइजर्स हैदराबाद आरसीबी के खिलाफ 2018 में मैच खेल रही थी। टॉस जीतने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई में फील्डिंग करने का फैसला किया और बसल थम्पी ने उस पारी में 70 रन दिए और उन्होंने पहले ही ओवर में 2 छक्के खाए और उस ओवर में उन्होंने 19 रन दिए और अपने दूसरे ओवर में उन्होंने 18 रन दिए और अगले ओवर में उन्होंने 14 रन दिए और उस समय सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड ईशांत शर्मा का था जिन्होंने 66 रन दिए थे और यह रिकॉर्ड उनकी 5वीं डिलीवरी पर टूट गया और उन्होंने पारी खत्म होते होते 70 रन दे दिए और इसके परिणाम स्वरूप हैदराबाद यह मैच 14 रन से हार गई और वह अभी भी हैदराबाद के ही साथ हैं लेकिन पिछले कुछ सीजन में उन्हें कई मौके नहीं दिए गए हैं। नंबर 2, गौतम गंभीर और ऑस्टन टर्नर के 3 लगातार 0 रन एक ही सीजन में। एक भी रन बनाए बिना आउट होना सबसे खराब चीजों में से एक है जिसे एक बल्लेबाज क्रिकेट फील्ड पर एक्सपीरियंस करता है और लगातार 3 मौकों पर 0 रन पर आउट होना ये तो बहुत ही खराब है। 2014 में गौतम गंभीर यह एक्सपीरियंस करने वाले पहले व्यक्ति थे जब वह पहले 3 मैचों में से प्रत्येक में अपना खाता खोलने में असफल रहे। उन्होंने बिना किसी रिटर्न के उन तीनों गेम में 13 गेंदों का सामना किया और चौथे गेम में वह 5 गेंदों पर केवल 1 रन ही बना सके और वहां पर भी आउट हो गए। और एस्टन टर्नर 2019 के आईपीएल में अपने आईपीएल करियर की पहली 3 आईपीएल पारी में तीनों बार 0 पर आउट हुए और उन्होंने T20 इतिहास में सबसे ज्यादा बार लगातार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया क्योंकि वह अपनी पिछली 2 T20 पारियों में भी 0 पर आउट हुए थे। नंबर 3, आरसीबी का 49 रनों पर ऑल आउट होना। एक पारी में सभी 10 विकेट खोने का मतलब यह है कि टीम ने बल्ले से बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। आरसीबी ने 2017 में केकेआर के खिलाफ मैच खेला, वहां पर आरसीबी ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। सुनील नारायण के एग्रेसिव शुरुआत के कारण केकेआर ने 19.4 ओवर में 131 रन ही बना सकी और आरसीबी की बल्लेबाजी लाइनअप को देखते हुए यह लक्ष्य बहुत ही छोटा लग रहा था लेकिन केकेआर के गेंदबाजों को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने पहले ओवर में विराट कोहली को आउट कर दिया और अगले ही ओवर में मनदीप सिंह और अगले ओवर में एबी डिविलियर्स को भी खो दिया। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि गेम जीतने के लिए कड़ी लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि वे विकेट खोते रहे और लास्ट में 9.4 ओवर में सिर्फ 49 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। उन्होंने अपने आखिरी 6 विकेट सिर्फ 9 रन पर गवा दिए और उनका कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट तक नहीं पहुंच सका और केदार यादव उनके टॉप स्कोरर थे, उन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए। कुल मिलाकर यह शायद आईपीएल इतिहास में किसी भी टीम द्वारा सबसे खराब शर्मनाक बल्लेबाजी प्रदर्शन है। नंबर 4, डेक्कन चार्जर्स का एक पारी में 28 एक्स्ट्रा रन देना। T20 लीग में टीमें एक्स्ट्रा रन देने से बचती हैं और अगर ज्यादा एक्स्ट्रा रन चले जाए तो टीम हारने की कगार पर भी आ जाती है और यह इंसिडेंट 2008 में डेक्कन चार्जर्स वर्सेस केकेआर के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में हुआ और पहले बल्लेबाजी करते हुए डेक्कन चार्जर्स ने काफी खराब प्रदर्शन किया और किसी तरह 110 रन पर ऑल आउट हो गए। हालांकि शुरुआती विकेट लेने के बाद उन्होंने खुद को खेल में वापस लाया और केकेआर एक समय पर 3 विकेट खोकर 21 रन पर था लेकिन उनका रन रेट 6 से कम था और टीम को रन चेज करने में तकलीफ हो रही थी लेकिन डेक्कन चार्जर्स ने 28 रन ज्यादा दे दिए जिसमें 15 वाइड इंक्लूडेड थी और इस तरह केकेआर ने आसानी से 19वें ओवर में 5 विकेट खोकर 112 रन बना लिए और अगर डेक्कन चार्जर्स एक्स्ट्रा रन नहीं देती तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। नंबर 5, दिल्ली डेयरडेविल्स की मुंबई के खिलाफ 146 रनों की हार। यह मैच आईपीएल 2017 का 45वां मैच था और यह आईपीएल में सबसे शर्मनाक हार में से एक है। इस मैच में डीडी ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। मुंबई के खिलाड़ियों ने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दी और उनके ओपनिंग जोड़े ने पहले 9 ओवर में 79 रनों की शानदार साझेदारी की। मुंबई इंडियंस की तरफ से लैंडन सिमंस और कीरन पोलार्ड के पावर हिटिंग के बदौलत दोनों ने 60 से ज्यादा का स्कोर बनाया और अंत में मुंबई इंडियंस 212 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंच गए। और दिल्ली डेयरडेविल्स की शुरुआत बेहद ही खराब रही क्योंकि उन्होंने पहले ही ओवर में संजू सैमसंग को 0 रन पर खो दिया और मुंबई के गेंदबाज रेगुलर इंटरवल पर विकेट लेते रहे पर उनके केवल 3 बल्लेबाज दोहरे अंक पर पहुंच सके और वो फिर
लास्ट में 66 रनों पर ऑल आउट हो गए और यह आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे कम स्कोर था। और मुंबई इंडियंस ने इतना बड़ा टारगेट दिया था कि दिल्ली डेयरडेविल्स को आईपीएल की अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तो ये थे 5 मोस्ट एम्बैरसिंग आईपीएल रिकॉर्ड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।